दोस्तों, चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है चंद्रयान का विक्रम और पूरे भारत ही नहीं विश्व में जोश भरा हुआ माहौल बना हुआ है और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ये संभव हो पाया है। तो एक बार हम सभी के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं और भारत माता की जय ऐसा नारा भी लगाते हैं। दोस्तों, अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि चांद पर पहुंचते ही चंद्रयान ने भेजा है अपना पहला संदेश और जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। चांद की सतह पर उतरते ही चंद्रयान ने कहा है, हेलो, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं और मैं सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुका हूं। आप बेफिक्र रहिएगा, सब कुछ कुशल मंगल है। इतना सुनते ही इसरो में हड़कंप मच गई और वाकई में दर्द भरा माहौल झूम उठा। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा अपना उस मुकाम को हासिल कर लिया है, उस जगह पर पहुंच गया है जिसे पूरा विश्व देख रहा था। सभी के चेहरे पर खुशी भरी हुई है और ये मैसेज चंद्रमा से चंद्रयान 3 ने संदेश जो भेजा है वाकई में दिलचस्प है और कुछ तस्वीरें भी भेजी है। जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है बहुत ही खूबसूरत है और जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जब चंद्रयान 3 ने के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त ली थी। वाकई में दिलचस्प और रोमांचक तस्वीर है और इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि क्या वाकई में बहुत कुछ हमारे लिए यहाँ से मिलेगा। और भारत को ही नहीं पूरे विश्व को चंद्रयान 3 से बहुत उम्मीदें हैं। एक भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में ये जानकारी पहुंचाएगा और सबको सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अब आगे क्या होगा। भारत पहला ऐसा देश है जिसके मून मिशन ने चांद के साउथ पोल हिस्से में लैंडिंग की है और यहाँ चंद्रयान 3 का रोवर वहाँ की मिट्टी वातावरण के साथ वहाँ मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना को कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 3 ने चांद पर इतिहास रच दिया है और चंद्रयान ने अपने तय समय पर चांद की सतह पर लैंडिंग की है। पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है और सभी के दिलों की धड़कन बढ़ रही थी जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर आगे बढ़ रहा था। आपको ज्ञात होगा कि साल 2019 में चंद्रयान 2 को जब इसरो ने चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया था तो मात्र 2.1 किलोमीटर दूर ही उससे संपर्क टूटने की वजह से हमारा विक्रम लैंडर अलग हो गया था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 से चंद्रयान 2 के लैंडर ने संपर्क किया और अपना हाल बताया कि वह कुशल पूर्वक है, सब कुछ सही है और अब हम दोनों मिलकर चंद्रमा की सतह पर बहुत कुछ जानकारी जुटाएंगे और पूरे विश्व में भारत का झंडा लहराएंगे। अब आप ये नहीं समझिएगा कि पूरे विश्व में भारत का झंडा लहरेगा, बल्कि चंद्रमा की सतह पर भारत का झंडा लहरेगा और पूरे विश्व में भारत और भारत के झंडे की गूंज उठेगी चंद्रयान 3 के माध्यम से। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश भर में खुशी का माहौल बहुत ही बड़े दिलचस्प तरीके से देखने को मिल रहा है। लोगों ने हवन किए हैं, पूजन पाठ किए हैं, व्रत उपवास किए हैं और ढोल नगाड़े के साथ चंद्रयान 3 का स्वागत किया है, खुशी को एंजॉय किया है। आपने इस खुशी को किस प्रकार एंजॉय किया है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इस मिशन ने दुनिया भर में भारत के मान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हर तरफ मिशन को लेकर बधाइयां दी जा रही है और विक्रम के सतह पर लैंड होने के बाद अब सवाल ये है कि चंद्रयान मिशन में अब अगला कदम क्या होगा। अब किस तरह से विक्रम अपना अगला काम करेगा और भारत को किस तरह का डेटा मिल सकता है। लैंडिंग के बाद क्या होता है प्रोसेस, सबसे पहले तो इस बारे में समझ लीजिए। दरअसल चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं। एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो लैंडर को चांद की कक्षा तक लेकर गया है। इससे हाल ही में विक्रम अलग हो गया और प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की सतह में घूम रहा है। इससे दो चीज अलग हुई जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है। इसमें विक्रम तो लैंडर है जो चांद पर लैंड करेगा और उसमें से रोवर अलग होगा जो चांद की सतह पर घूमेगा और वहां से डेटा भेजेगा। ऐसे में सफल लैंडिंग के बाद रोवर अपना काम शुरू कर देगा। क्या ये मिशन का अहम लक्ष्य है? जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। बात करते हैं चंद्रयान के अहम लक्ष्य की। दरअसल भारत का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसके मिशन ने चांद के साउथ पोल हिस्से में लैंडिंग की है।
यहाँ चंद्रयान का रोवर वहाँ की मिट्टी वातावरण के साथ वहाँ का मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना को कलेक्ट करेगा और दक्षिण ध्रुव पर कई ऐसे क्रेटर्स हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं और यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। ऐसे में इस दुर्लभ स्थान से रोवर की ओर से डेटा कलेक्ट करना काफ़ी ऐतिहासिक है। इससे कई तरह की रिसर्च में आसानी होगी और स्पेस साइंस में भारत का काफी अहम योगदान भी होगा। अगर यह एकत्र की गई जानकारी लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। साथ ही ये चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। दोस्तों, आप सभी को एक बार और फिर से दिल से धन्यवाद और बधाइयां देते हैं। भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो, लेकिन वीडियो को लाइक मत करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमारे वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखो। देखिए, आप हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक शेयर करें या ना करें, लेकिन भारत के इसरो के वैज्ञानिकों के लिए दो शब्द जरूर लिखने चाहिए, जिन्होंने आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है और भारत का झंडा चंद्रमा की सतह पर लहराया है। ये बड़े ही गौरवपूर्ण की बात है। हाल ही में नासा ने अपना लूना 25 को लॉन्च किया था, जिसकी बधाइयां हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने नासा को दी थी कि बधाइयां शुभकामना, अब बहुत जल्द हम चंद्रमा की सतह पर उतरकर बहुत सारी जानकारियां जुटाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 21 अगस्त को लूना 25 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसे क्रैश हो गया और ये बड़े दुख की बात है। जब वैज्ञानिक पूर्ण मेहनत, पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा भाव के साथ अपना कार्य करते हैं और उसी में उनको असफलता मिले तो बड़े ही दुख की बात है। कई सारे वैज्ञानिकों की आत्मजिजोर हो गई, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी, जो सोचा था, उसके कुछ अलग ही हो गया। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इसमें खरगोश और कछुए की कहानी याद आ जाती है। खरगोश और कछुए में कछुआ तो अपनी चाल से चलता ही है, लेकिन खरगोश बहुत तेज और सातिर होता है। जब खरगोश आगे निकल जाता है तो वह सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से अपनी मंजिल को पा लूंगा, और कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, वो क्या जीत हासिल करेगा। ठीक उसी प्रकार इसरो के चंद्रयान 3 और नासा के लूना 25 के साथ हुआ। लूना 25 खरगोश था और इसरो का चंद्रयान 3 हमारा कछुआ था। कछुआ अपनी चाल से चला, जिसने हिम्मत नहीं हारी। पहले पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ उसने गोलाकार और अंडाकार में चक्कर लगाए, फिर चंद्रमा की सतह की ग्रेविटी के साथ अंडाकार और गोलाकार में उन्होंने परिक्रमा लगाई। कम फ्यूल में, कम बजट में उन्होंने कम समय में एक अच्छी सफलता हासिल की है, जबकि नासा के लूना 25 ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कम समय में एक बहुत बड़े नुकसान को झेला है, जो कि पुतिन के लिए एक बड़े ही झटके वाली बात है। लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि कुछ ऐसी टेक्निकल इशू आया है तो पुतिन फिर से अपने लूना 26 को चंद्रमा की धरती पर उतारने का पूर्ण प्रयास करेंगे, जिसमें पूरा विश्व उनके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा। देखिए, कोई सा भी देश यदि किसी ग्रह पर जाता है तो सबके लिए सफलता मिलती ही है और कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। इस बार भारत ने अपना झंडा लहराया है तो ये पूरे विश्व में भारत के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। आप कितना पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। हो सके ऐसी काम की खबरों की जानकारी प्राप्त करना है तो आपको लगे, आपका मन करे तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। यदि मन नहीं करे तो मत करना भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बस अपने इसरो के वैज्ञानिक और इसरो के लिए एक बार जय हिंद जय इसरो जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में, ताकि उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो सके कि भारत देश उनके साथ खड़ा हुआ है। नमस्कार।